सब्सक्राइब कीजिए नासा हिंदी न्यूज चैनल को और दबाए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिली सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और ये बिल्कुल चीन के चंद्रमा पर बनने वाले बेस को मिलेगी परमाणु ऊर्जा। नाभिकीय तंत्र न्यूक्लियर सिस्टम तैयार कर रहा है। यह तंत्र चंद्रमा पर उस बेस के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करेगा। चीन रूस के सहयोग से चंद्रमा पर एक रिसर्च सेंटर बनाने जा रहा है जिसके 2028 तक तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। चीन का यह नाभिकीय तंत्र चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बनाया जाएगा। हाल ही में नासा के आर्टेमिस अभियान का प्रथम चरण के सफल प्रक्षेपण के अब चंद्रमा पर इंसान के बसने के बातें होने लगी हैं। नासा का कहना है कि इस दशक के अंत तक वहां वैज्ञानिकों के लिए आवास तैयार हो जाएंगे और वे वहां रहकर काम करने लगेंगे। लेकिन इस बीच चीन भी चंद्रमा चाइना फॉर मून पर जाने की तैयारी कर रहा है। अब चीन एक नया न्यूक्लियर सिस्टम फॉर मून तैयार करा रहा है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बनाया जाएगा। यह जानकारी ऐसे समय पर आई है जब आर्टेमिस अभियान का ओरियन यान चंद्रमा के पास पहुंचने वाला है। रूस के सहयोग से बन रहा है यह स्टेशन। चीन के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के मुख्य डिजाइनर वू वेरन ने चीन के सीसीटीवी प्रसारण में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह नया तंत्र चंद्रमा पर स्टेशन की उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। यह स्टेशन चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस के साथ विकसित कर रहे हैं और यह साल 2028 तक पूरा हो जाएगा। कैसा होगा चीन का स्टेशन? इस स्टेशन की मूल अधोसंरचना में एक लैंडर, एक हॉपर, एक ऑर्बिटर और एक रोवर होगा। एक बार निर्माण कार्य पूरा होने नाभिकीय तंत्र उपयोग वहां के यंत्रों को चलाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा का उपयोग चंद्रमा की सतह से पानी निकालने और वहां के यात्रियों के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए भी किया जाएगा। रोवर और हॉपर। चीनी विशेषज्ञ ने इस परमाणु ऊर्जा केंद्र की विस्तार से जानकारी नहीं दी, लेकिन पिछली रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि यह तंत्र 1 मेगावाट की बिजली का उत्पादन कर सकेगा। लेकिन वू ने बताया कि स्टेशन में बड़े रोवर स्थापित किए जाएंगे जिनका परिवहन के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा हॉपर अगली पीढ़ी के वाहन होंगे जो क्रेटर में से निकलकर पानी की तलाश करने का काम करेंगे। चीन तेजी से कर रहा है काम। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा का तंत्र उन संचार तंत्रों को ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करेंगे जो पृथ्वी से सतत संपर्क बनाए रखने का काम करेंगे। चीन ने 2013 में सबसे पहले चंद्रमा पर मानव रहित लैंडिंग की थी और उम्मीद कर रहा है कि वह इस दशक के अंत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतार सकेगा।